84 महादेव की यात्रा का अगला पड़ाव है कपालेश्वर महादेव, जो कि 8वें स्थान के महादेव हैं। इनकी महिमा अपरंपार है, यह हम हमेशा सुनते आए हैं, यहाँ देखने मिलती है। कपालेश्वर महादेव मंदिर जैसा कि शब्द से उत्पन्न होता है, कपाल शब्द हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है गहन भाग, जिसको हम केंद्र बिंदु कह सकते हैं, या यूं कह लें कि ब्रह्मरंध्र का वह बिंदु जिसके माध्यम से इंद्रियों को संचारित किया जाता है। एक दिन पितामह ने ब्राह्मणों को कहा कि वह यज्ञ करें, और सभी ब्राह्मण महाकाल वन में यज्ञ करने आ गए। उस यज्ञ में भगवान शिव कपालिक रूप में पहुंचे थे, उनके हाथ में कपाल था। यह देखकर सभी ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उन पर प्रहार करने लगे, यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने शिव को बहुत बुरा भी कहा। इसके बावजूद शिव वहाँ मौजूद रहे, और इसी बीच उनके हाथ से कपाल नीचे गिर गया। जय जय करुणा भी श्री महादेव शंभ। कपालेश्वर महादेव पर कपाल क्रिया का संदर्भ अलग है, कपालेश्वर महादेव पर कपाल के संदर्भ का अंतर अलग है। यहाँ पर विशेषता यह भी है कि यह चक्रतीर्थ का स्थान, यह शमशान का स्थान, यह उसर भूमि का स्थान है। कुछ तांत्रिक या तंत्र को समझने वाले अघोरपंथी, यहाँ पर पंथ दो प्रकार के हैं, अघोर पंथ, ओघोर पंथ। अघोर में भी दो प्रकार है, एक वैदिक एक तांत्रिक। इन दोनों पक्षों पर यदि हम बात करें तो एक अलग प्रकार का संयुक्त सूत्र सामने आता है। यहाँ पर एक बात विशिष्ट यह ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर कपालेश्वर महादेव का पूजन बौद्धिक प्रगति के लिए किया जाता है, साथ ही वे दिव्य सूत्र जो भगवान शिव की आराधना से हमें प्राप्त होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि यथार्थ में भगवान शिव की साधना तपस्या या प्रसन्नता कैसे की जाए। जब हम इस प्रकार की स्थिति में प्रवेश करते हैं तो वह ज्ञान प्राप्त होता है। विहितम विहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाभि श्री। कपाल के नीचे गिरते ही वह एक कपाल हजारों में बदल गए, हजारों से सैकड़ों और सैकड़ों से करोड़ों में बदल गए, लेकिन ब्राह्मण उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। इससे ब्राह्मणों को पता चला कि शिव की शक्ति अपरंपार है। कपालेश्वर महादेव पर कपाल क्रिया के दो पार्ट है, दो भाग, एक जीवित का होता है, मृतक का होता है। जीवित मनुष्य जो है वो साधना के माध्यम से कपाल क्रिया करते हैं, और मृतक की कपाल क्रिया शमशान में होती है। इन दोनों में भेद समझना होगा। यहाँ पे शब्द को उस तरह से नहीं पकड़ना है जिस प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पर वह स्थिति पकड़नी है या वह स्थिति जाननी है जो तंत्र वेद में स्पष्ट रूप से लिखी है। शिव की शक्ति का भान होते ही सभी ब्राह्मण उनसे क्षमा याचना मांगने लगे। शिव ने कहा, तुमने जो फेंका है वह कोई कपाल नहीं शिवलिंग है। इसके बाद ब्राह्मणों ने कहा कि हमें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, जिस पर शिव ने कहा कि इस शिवलिंग के दर्शन करने से ही तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाएगी। सभी ब्राह्मणों ने उसके दर्शन किए, स्वयं शिव ने भी उस शिवलिंग के दर्शन किए और कहा कि मुझे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान करिए। इसीलिए इस मंदिर को कपालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपाल गिरे थे और स्वयं शिव इस स्थान पर खड़े होकर पूजन कर रहे थे।
साथ संबंधित बहुत सी बातें आती है, अन्य परिभाषाएं इसके संबंध में, और जिस प्रकार की दृष्टि से आप इसको देखेंगे उस प्रकार से भाव आपको प्राप्त होगा। हालांकि महादेव की यात्रा में तर्क का कोई स्थान नहीं है, ये भाव प्रधान यात्रा है, श्रद्धा प्रधान यात्रा है, भक्ति प्रधान यात्रा है। इस यात्रा के अंतर्गत जब जब हम लिंग विशेष की स्थिति को स्पष्ट करेंगे या संबंधित शब्द का व्युत्पत्तिकरण के अंतर्गत हम प्रवेश करेंगे तो अलग अलग प्रकार के भाव सामने उत्पन्न होंगे। कपालेश्वर महादेव चुकी ने कहा ब्रह्मरंध्र से संबंधित है, ब्रह्मरंध्र पूर्व दिशा का द्योतक, साथ ही यह जीरोडेगांश के मूल तत्व पर अवस्थित है, साथ ही भूमध्य रेखा के आरंभ से अवस्थित है। इस दृष्टि से यहाँ पर अपनी प्राप्ति के लिए या ये कह ले कि साधना के मूल ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजन की प्रक्रिया है। चौरासी महादेव की यात्रा का अगला पड़ाव है स्वर्ग द्वार पालेश्वर, जो कि नौवे स्थान के महादेव हैं। वहां स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब हम चलते हैं उसी स्थान पर। जय महाकाल। श्रवण